हेलो गाइस, टैक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मेरे पास एक कीबोर्ड आया है जिसका वायर को आपका रैट और माउस जो है वो काट के दो टुकड़ा कर दिया है। अब इसको हम कैसे आपको जोड़ेंगे, जोड़ के दिखाएंगे। इसका जोड़ने का भी टेक्निक अलग है क्योंकि आपको इसको रीयूज़ करना है, तो इसके लिए हमने इसको आपको प्रोसेस बताएंगे कैसे करेंगे। तो हमने अभी इस कीबोर्ड को तार को ठीक से बनाएंगे, बना के आपको दिखाएंगे। हमने एक कटर और ब्लेड की मदद से इस तार को हमने पूरा छील दिए हैं। अब इसको कैसे प्रोसेस करना है, देखिए आपको टुकड़ा जो है यहाँ दिख रहा है। इस कटर से हमने इसको काट के बराबर कर दिए हैं। अब इसको कैसे करना है उसको हम आपको बताएंगे। आप इस वीडियो में बने रहिए, आपको एक एक करके हम दिखाएंगे। अब देखिए हमने सब तार को बारीक बारीक से ब्लेड से आस्ते आस्ते छील दिए हैं। देखिए उसका वायर आ चुका है। अभी हमने इस तार को एक एक करके जोड़ेंगे। देखिए छोटा बड़ा है, इसमें सबसे लंबा में है आपका, यहाँ पर दिख रहा है ब्लैक है, इसका बाद है रेड, इसका बाद वाइट एंड ग्रीन। इसमें देखिए सबसे लंबा में रखे हैं ग्रीन रखे हैं, फिर वाइट रखे हैं, फिर रेड एंड ब्लैक। इसी तरह से हम इसको अभी जोड़ेंगे। अब जोड़ के फिर इस पर टेप लगा देंगे। उसका जोड़ने का भी ये तरीका हम आपको दिखाएंगे। अब आपने इस तार को ग्रीन ग्रीन का साथ, वाइट वाइट का साथ, रेड रेड का साथ एंड ब्लैक ब्लैक के साथ इसको जोड़ दिए हैं। इसका बाद एक सील्ड वायर है, उसको थोड़ा बड़ा करके रखे हैं। जब सबको हम टेपिंग कर देंगे, आप इसको शोल्डिंग भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास शोल्डर अगर अवेलेबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने इसको ऐसे ट्विस्ट करके फिर इसका बाद टेपिंग कर दीजिए। टेपिंग करने के बाद कैसे इसको बनाया जाता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। लास्ट में आपका सील्ड वायर जो दिख रहा है आपका वाइट टाइप का बड़ा करके हम रखे हैं, उसको लास्ट में ट्विस्ट करके छोटा कर देंगे। ठीक है, आप देखिए, आपको वीडियो में बने रहिए, आपको हम पूरा प्रोसेस इसमें दिखाएंगे। हमने टेप को छोटा छोटा करके चार टुकड़ा में काट लिए। अब इसको हम एक एक करके उस टेप को लगाएंगे। अब देखिए हमने चारों तार को टेपिंग कर दिए। अब टेपिंग करने के बाद इसको पहले हम आपका सील्ड को थोड़ा टाइट कर देंगे, इसका बाद इसको सबको मिला के पूरा फुल एक टेपिंग करके उसको सील्ड कर देंगे। ताकि इसमें क्या है, इसलिए अलग अलग इसको टेपिंग किए हैं क्योंकि किसी के साथ किसी का टच ना हो। जैसे इसमें दो सिग्नल का केबल होता है, और रेड जो होता है वो पावर का है, ब्लैक जो होता है वो न्यूट्रल का है। जैसे आपका डीसी वोल्ट में होता है ना, आपका इसमें क्या है, डीसी वोल्ट इसमें सप्लाई होता है। तो इसमें देखिए डीसी वोल्ट के लिए रेड वाला जो है वो 5 वोल्ट लेता है, और ब्लैक जो है वो न्यूट्रल, जैसे +5 वोल्ट -5 वोल्ट। और ये ग्रीन एंड वाइट जो है वो सिग्नल का काम करता है। ठीक है, यहाँ पर एक सील्ड का तार देख रहा है। अभी आपको हम बताएंगे कैसे कॉमन उसको सबको लपेटी दिया जाता है ताकि उसमें ऐसे देखने में भी खराब ना हो। ओके, तो बने रहिए, हम आपको दिखाते हैं। हेलो गाइस, अभी देखिए हमने इस पूरे तार को एक साथ लपेट के उसमें टेपिंग कर दिए। अभी इसमें कोई झमेला नहीं है। अभी हम इसको आपका कंप्यूटर में चला के दिखाएंगे। देखिएगा कंप्यूटर में आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपका अगर ऐसे आपका भी कोई कीबोर्ड माउस इस तरह से कोई चूहा काट देता है या रेट से कोई डिफेक्ट हो जाता है, तो आप ऐसे इसको काट के इसको ज्वाइन कर सकें। तो थैंक यू गाइस, आपने मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।